भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिमको जबलपुर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के द्वारा 76 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग सहित सहायक सामग्री का वितरण किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में 67 स्थानों पर सामाजिक आधिकारिता शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत निशुल्क सहायक उपकरण का वितरण जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्वालियर सांसद क्षेत्र के विवेक नारायण शेजवलकर ने सभी 76 हितग्राहियों को सहायता उपकरण व कृत्रिम अंग का वितरण करते हुए कहा कि दिव्यांग भाई अपनी रुचि के अनुसार काम करें। अनेक दिव्यांग भाई बड़े बड़े पदों पर जैसे कलेक्टर बने हैं, टेक्नोलॉजी, संगीत आदि में बहुत नाम कमाया है। 80% से अधिक दिव्यांगों को मोटर प्राइस साइकिल भी हमारी सरकार के द्वारा वितरित की जाती है। सांसद शेजवलकर ने कृत्रिम हाथ लगे हरबान सिंह जाटव से हाथ मिलाकर भी उसके बारे में जानकारी दी। जनपद अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव ने कहा कि मैं अपने पिता जसवंत जाटव के मार्गदर्शन में आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूं। कार्यक्रम में 76 हितग्राहियों, 42 ट्राईसाइकिल, 11 व्हील चेयर, 42 बैशाखी, 12 वॉकिंग स्टिक सहित 2 लोगों के कृत्रिम पैर, 1 कृत्रिम हाथ, 1 कान की मशीन का वितरण किया गया। 1 8 वर्षीय बालक राम मोहनी सतेंद्र बघेल पुत्र राम अवतार बघेल को CP व्हील चेयर प्रदान की गई। अंत में पत्रकारों के ओल्ड पेंशन स्कीम पर सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस वोटों की राजनीति कर रही है, हमारी सरकार सभी पहलुओं पर जांच कराएगी। लाखों करोड़ों लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है और आज भी उसमें बहुत संभावना है। मुझे पता नहीं कितने लोगों को जानकारी है, अभी मैं भी दावे से कह सकता हूँ कि जितने आयुष्मान भारत कार्ड के जितने पात्र हितग्राही होंगे उन सबके कार्ड आज भी नहीं बने होंगे। तो मेरा भी या जो सब मेरे साथी हैं प्रशासन के साथी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब योजनाओं का लाभ मिले पात्र को, इसके लिए लगातार कोशिश करने की जरूरत है। अभी मैं पौड़ी से आया हूँ तो वहाँ करीब इसी आयुष्मान भारत योजना के कार्ड की बात भी कर रहा हूँ, करीब 1.5 लाख लोग वहाँ पर उसके पात्र हैं, पर अभी तक कार्ड केवल 63,000 लोगों के बने हैं। अपने को ढूंढना पड़ेगा कि किसको जरूरत है। देखिए जो पात्र होता है उसको जानकारी नहीं रहती कई बार, तो सरकारी हमारे जो मेरे साथी हैं सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को ढूंढ करके और उसका लाभ उन तक मिले, इसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हमारे भाजपा के बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए ये राजनीति केवल चुनाव के समय या वोट मांगते समय नहीं होती, हम राजनीति सेवा की राजनीति करते हैं। सरकार इतनी सारी योजनाएँ बनाती है और इसका दावा भी करती है कि इसका लाभ लोगों को मिल रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं वो छूट गए हैं उनको शामिल करना जिम्मेदारी हमारी सबकी है। और मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता चुनाव हो वोट हो तब तो काम करेंगे, वोट भी मांगेंगे, जरूर भी निकालेंगे, पर ये जो काम हमारा है गरीब की सेवा करना ये सतत हमारा चलता रहता है और चलता रहना चाहिए, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में और बाकी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में अंतर है। मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार से आगे भी जो पात्र हितग्राही हैं उनको उनके योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए सदैव हम प्रयासरत रहेंगे। आज अनेकों दिव्यांगों का जो उपकरण है उनको वितरण का समारोह हो रहा है। इस अवसर पर मेरे साथ मंचा सिंह हमारे जनपद अध्यक्ष माननीय कार्यक्रम थे, इसी तरह के पोहरी में भी था और आज आप क्या करेरा में भी है। अब चूंकि आप ही का प्रतिनिधि हूँ तो जब भी घर से निकलता हूँ तो कोशिश ये रहती है कि अधिक स्थिति लोगों से मिलता चलूँ और अनेकों स्थानों पर चूंकि मैंने भेंट की कार्यकर्ताओं से लोगों से, इस कारण मैं आपके बीच विलंब से आ पाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज एलिमको के लोग भी यहाँ पर होंगे उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज एलिमको द्वारा ये कृत्रिम अंग का जो वितरण यहाँ पर होने जा रहा है वास्तव में ये एक इस बात का परिचय है कि किस तरह से सरकार और समाज उन सब लोगों के साथ खड़ी है जो वास्तव में एक तरह से ये क्योंकि भगवान ने उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत अन्याय किया है और उसको पूर्ति करने के लिए या उनके जीवन को और अधिक अच्छा बनाने के लिए जिससे कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर सकें उनकी मदद सरकार और समाज करते हैं। और इसीलिए जो लोग चल नहीं पाते उनको ट्राइसिकल का वितरण यहाँ पर हो रहा है, व्हील चेयर भी यहाँ पर बांटी जा रही है, क्रेचर भी बांट दिए जा रहे हैं, जो ठीक से सुन नहीं पाते उनको कान की मशीन भी यहाँ पर देने जा रहे हैं। इस प्रकार से
करीब करीब 63 संख्या भाई पहले बताई जा रही है, व्हील चेयर 11 है, बैसाखी भी है, छड़िया है, और कुल 76 लोगों को आज यहाँ पर इसका वितरण हम लोग कर रहे हैं। देखिए मैं मेरा मानना है कि हम दिव्यांग बोलते हैं सब लोगों को, दिव्यांग मतलब अपने आप को किसी से कम नहीं समझे, अपन ये विशेष अगर कहीं भगवान ने कभी किए तो अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उसको भगवान दूसरी कोई ऐसी कौशल दे देता है, दूसरी को ऐसा हुनर दे देता है। कई लोग आपने देखे, आपने शायद अखबार में पढ़ा भी होगा, जो दिमागी दिखने में दिमागी तौर पर बड़े कमजोर लगते हैं पर कंप्यूटर के बड़े महारथी वो बने, ऐसे भी उदाहरण इस दुनिया में है, देश में है। ऐसे कई दिव्यांग हैं जिन्होंने जो कलेक्टर तक बने हैं, ऐसे कई दृष्टिबाधित लोग हैं जो बहुत अच्छे सिंगर बने हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मित्रों कि इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से ये जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं इनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इनको समाज में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, और उस हिस्से के लिए उनका जीवन सुधारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनकी तकलीफें कम करने के लिए इस तरह के आयोजन सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मदद से यहाँ इस तरह से हो रहे हैं। मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ मित्रों कि आप सारा समाज और सारा सरकार आपके साथ खड़ी है, जो भी प्रयास हम सबसे होता होगा उस प्रयास करके और आपको जीवन की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में आप लोग अच्छी तरह आगे बढ़ सके, ऐसा प्रयास और ऐसी इच्छा के साथ इस तरह के कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर करते हैं। वैसे भी अगर मैं गरीब कल्याण योजनाओं की बात करूँ तो मध्य प्रदेश सरकार सारी जो मंच यहाँ पर बैठा है, इनको आपकी चिंता हुई और आपके जो पिछली बार रजिस्ट्रेशन हुए थे उसके आधार पर आज 76 उपकरण आप सभी को यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। इसमें हमारे 42 साथियों को साइकिल एवं 11 साथियों को व्हील चेयर और 42 साथियों को बैसाखी और 12 साथियों को छड़ी, 4 साथियों को कांकी। मैं तो आपसे एक ही विनती करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आप दिव्यांग साथियों के साथ खड़ी है, इस क्षेत्र की जनता के साथ खड़ी है, गरीब मजदूर के साथ खड़ी है। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरे पिताजी ने सदैव इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया है और दिन और रात इस क्षेत्र की सेवा और इस क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए चिंतित रहते हैं, उसी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप सबके आशीर्वाद से मैं जनपद पंचायत, आपके आशीर्वाद से जनपद पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि इस बेटे और भाई से जब भी आपको जो भी आशा और अपेक्षा होगी, मैं आपको पूरा आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी एक एक उम्मीद पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ समृद्धशाली मंच यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय सांसद जी का बहुत